हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह की क्लीनिंग से। तो मैं कर रही हूँ अपने बेडरूम की क्लीनिंग, क्योंकि डीप क्लीनिंग कभी कभी ही होती है। तो बस मैं करने लगी थी अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग। तो बस यहाँ मैं बेडशीट वगैरह झाड़ के रख रही थी। तो यहाँ मैं उठा रही थी ये बेड वाला गद्दा, तो ये बहुत भारी है, बहुत मुश्किल से उठाया था मैंने। और इसको मैंने सोचा था धूप लगाऊंगी, पर धूप है ही नहीं, इतने दिन हो गए, एक हफ्ते से ही ज़्यादा हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बेड के नीचे से क्लीन कर लूँ, कि ये जो बेड की बैक होती है ना, इसके नीचे बहुत कोने में ना कूड़ा फंस जाता है, क्योंकि बेड के नीचे से अगर हम लगाएं तो भी इसके कोने से नहीं लगता है। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं बेड हटा के झाड़ू लगाऊंगी। तो इसके नीचे से मैं लगा रही थी झाड़ू अच्छे से, और बहुत गंद था यहाँ। मेरी बेटी ने पता नहीं क्या क्या फेंका हुआ था, कोई रैपर, कोई कुछ, कोई अपने टॉयज, बहुत कुछ गिरा रखा था। तो बस वही मैं निकाल रही थी सारा कूड़ा। तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा भी अभी लगा दिया था, और यहाँ मम्मी झाड़ू ढूंढ रहे हैं। मम्मी कह रहे थे कि चलो जब तक अंदर से सफाई हो रही है तो मैं बाहर झाड़ू लगा देती हूँ, बाहर बरामदे में। और मेरी बेटी भी बाहर खेल रही थी। तो मैं पोछा इसलिए लगा रही थी क्योंकि बेड अभी साइड में हटाए हुए थे मैंने, तो मैंने सोचा साइड अभी साइड में है तो मैं पोछा लगा देती हूँ, वरना फिर मैं रख दूँगी तो पोछा ढंग से नहीं लग पाएगा। तो मैं अच्छे से पोछा लगा रही थी इनके नीचे, बेड के भी नीचे से। बहुत भारी थे ये, बहुत मुश्किल से मैं हटा रही थी इनको। अब ना मैं ये बिछा रही हूँ, ये बोरी का बना हुआ है। ये मैं इसलिए बिछा रही हूँ क्योंकि ना मेरा गद्दा हो गया ख़राब। ये जो हमारे बेड के जॉइंट्स होते हैं ना, तो इनसे ना मेरे इसमें ना मैट्रेस में लग गया है जंग, क्योंकि अभी मैंने इसमें कवर भी नहीं चढ़ाया। ये देखिए एक लाइन बन गई है जंग की, और सारा ख़राब हो गया है। अब कवर ही लेना पड़ेगा इसके लिए। तो इसको बिछाने के बाद अब मैं यहाँ बिछा रही थी बेडशीट। बेडशीट मैं वही बिछा रही हूँ क्योंकि ये एक दिन पहले ही बिछाई थी मैंने, इसीलिए मैंने यही बिछा दी है। अब मैं यहाँ रख रही हूँ पिलो। बेड हो गया बिल्कुल सेट। अब मैं कर लूँगी नीचे की सफाई, ये जो सारा गंद पड़ा है नीचे। तो ये हो गई थी सारे बेड की, बेड के नीचे से सफाई, और ऊपर से भी मैंने बेडशीट वगैरह बिछा दी थी। और यहाँ ना मेरा ड्रेसिंग शीशा ना काफ़ी टाइम से ना एक बीच में ही, मतलब रास्ते में ही आ जाता है ये दरवाजे के पास। तो मैं सोच रही थी ये विंडो है यहाँ पे और जगह भी है इस साइड, तो मैं कहा यहाँ रख देती हूँ मैं, क्योंकि अभी कूलर वगैरह तो चलाना नहीं है, वो ये सब तो गर्मियों में ही चलेंगे। तो जब तक गर्मियाँ नहीं आती और कूलर वगैरह नहीं चलते, जब तक मैं यहाँ रख दूँगी ये। और यहाँ पे आ गई थी मेरी बेटी, ऐसी घूम रही थी तो मैं इसको शूज़ पहना रही थी, और ये मेरे पीछे पीछे घूम रही थी, देख रही थी कि मम्मा क्या कर रही है। क्योंकि ना फ़ोन रखा होता है ना ट्राईपॉड में लगा के, तो इसे पता चल जाता है कि वीडियो बन रही है। तो बस ये जाती रही है, इधर उधर ही घूमती रहती है। तो यहाँ पे मेरी अलमारियाँ भी रखी हुई हैं दोनों, तो इसके साथ ही मैंने इसको रख दिया ड्रेसिंग शीशे को। और ये साइड में आ गया था तो अच्छा भी लग रहा था, ऐसे बीच में ही रास्ते में आ जाता था ये। और मैं इसे कर रही थी मिरर को कॉलिन से साफ, क्योंकि मेरी बेटी ना गंदे हाथ लगा देती है इसमें आके, कुछ भी खाएगी चॉकलेट वगैरह और हाथ गंदे लगा देगी, सारा शीशा ख़राब कर देती है। और ज़्यादा वो ना इसके शीशे के आगे ही खेलती है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ मैं कर रही थी अलमीरा भी साफ दोनों। तो हो गया था सारी डस्टिंग वगैरह अच्छे से, अलमीरा भी साफ़ हो गई थी। और यहाँ पे ना चेयर्स पड़ी थी, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे कुछ चेंज करती हूँ। ऊपर वाले रूम में ना सेटियाँ पड़ी हैं ऐसी ही, वो किसी काम की नहीं है, तो बस मैं वो ही रखूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं कर लूँगी टीवी साफ, ये भी ऐसे ही पड़ा है बेकार, इसको हम रिचार्ज ही नहीं करवाते। और क्योंकि बाहर हॉल में लगा हुआ है बड़ा टीवी, हम वहीं देख लेते हैं, ये सिर्फ ऐसे ही शो पीस के लिए रखा हुआ है। तो मैं इन चेयर्स को हटा दूंगी, क्योंकि ऊपर वाले रूम से ना मैं सेटियाँ लेके आऊँगी। तो अब मैं लगा रही थी यहाँ पे झाड़ू,
और झाड़ू लगाने के बाद ना सारे सारे घर में झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैं कर रही थी लास्ट में अपने रूम में लगा रही थी पोछा अच्छे से। और अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने बेडरूम का लुक कैसा चेंज करा है मैंने, और आप सब बताइएगा कि आपको मेरे बेडरूम की जो चेंजिंग्स है कैसी लगी और आपको मेरे रूम बेडरूम वाली सेटिंग कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। तो ये है मेरा छोटा सा बेडरूम। अब मैं थोड़ा आगे से आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ से भी कुछ ऐसे इस तरह का लुक है मेरे बेडरूम का। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।